In the world of motorcycling, there came a time when riders wanted to share more than just stories. They wanted to capture the roar of the engine, the thrill of the ride, and the beauty of the journey. And thus, motovlogging was born, a way to take viewers along for the ride, to experience every twist and turn as if they were right there. But the question remains, how do you start? मोटोव्लॉगिंग की दुनिया में सब कुछ एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ, एक बाइक, एक कैमरा और एक राइडर का जुनून। पिछले कुछ सालों में मोटोव्लॉगिंग ने मोटरसाइकिलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन ला दी है और बहुत सारे राइडर्स अपने जर्नीज एंड एडवेंचर्स को मोटोव्लॉगिंग के थ्रू शेयर करने का शुरुआत कर चुके हैं। और ये सिंपल शुरुआत अभी के टाइम पर इतनी एडवांस हो गई है कि अभी हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें अपनी जर्नीज एंड एडवेंचर्स को लोगों के सामने एंड ऑडियंसेस के सामने शेयर करने के लिए ज़रूरत है। जैसे कि ये मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप, हेलो एवरीवन, माय नेम इज महानंद लालोंग एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, जहाँ पे मैं आप तो सभी के साथ शेयर करूँगा मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसा है और मैं कौन सा कैमरा गियर्स यूज़ करता हूँ मेरे व्लॉगिंग में। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ से, जिसके बिना आप अपनी मोटो व्लॉगिंग की जर्नी शुरू नहीं कर सकते हैं। एंड दिस थिंग यू शुड बाय इवन बिफोर बाइंग अ बाइक, ए हेलमेट। मैं अभी एग्जोर का ये एपेक्स हंटर यूज़ कर रहा हूँ। ये हेलमेट मेरे को 5000 के आसपास पड़ा और मैंने यही हेलमेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये मुझे अपने बजट पर पड़ रहा था और उसी के साथ साथ इस पर ऑल द नेसेसरी फीचर्स थे जो मुझे चाहिए थे। मेनली सबसे पहले तो ये चिन कर्टेन जो मैंनेटरी है फॉर मोटर व्लॉगिंग, ऑल्सो यहाँ पे जो पैड्स हैं वो पैड्स रिमूवेबल है विच इज़ हेल्पफुल इन ऑल द सेटिंग्स दैट इज़ नेसेसरी फॉर मोटर व्लॉगिंग। और इसी हेलमेट पे मैंने ये वाला माउंट लगाया है। दिस माउंट इज़ अ एडिसिव माउंट जो मुझे 300 के आसपास पड़ा। दिस माउंट इज़ वेरी स्टेबल और ये माउंट आता है एक जे माउंट के साथ, ऐसा वाला जो इजीली यहाँ पे ऐसे स्टिक हो जाता है लाइक दिस। और यहाँ पे आप लोग अपना कैमरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे माउंट करके यू आर गुड टू गो। ऑल्सो ये वाला माउंट के साथ आपको ये मोबाइल होल्डर भी मिलेगा जो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप मोबाइल इधर पे अटैच कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एक्शन कैम नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ एनी मोटर व्लॉगिंग सेटअप व्हिच इज कैमरा, द एक्शन कैम। करंटली आई एम यूजिंग दिस DJI एक्शन 3। ये कैमरा मेरे को 20,000 के आसपास मिला विद ऑफर्स। मैंने ये DJI एक्शन 3 का बेसिक कॉम्बो चूज़ किया है। आप लोग एडवेंचर कॉम्बो की तरफ भी जा सकते हैं जो कि अप्रॉक्स 30,000 के आसपास हो जाता है। उसमें आपको दो एक्स्ट्रा बैटरीज और एक चार्जिंग केस प्लस एक व्लॉगिंग रॉड मिलेगा जो कि वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। और मैंने ये बेसिक किट कॉम्बो लिया क्योंकि मुझे ये बजट पे पड़ रहा था और मुझे इतना खर्चा भी नहीं करना था। DJI एक्शन 3 के साथ आपको एक मैग्नेटिक माउंट मिलेगा लाइक दिस, और ये माउंट में इजीली कनेक्ट हो जाता है जस्ट ए क्लिक एंड प्ले लाइक दिस। और ये वाला जो मैग्नेटिक माउंट है आप इसको क्लासिक सेटिंग की तरह इधर पे कनेक्ट कर सकते हैं और हेलमेट पे इजीली ये माउंट हो जाता है। सो ये मैग्नेटिक होल्डर के साथ आप लोग का मोटो व्लॉगिंग जो सेटअप होता है वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और उसी के साथ ये कैमरा के साथ ये फास्ट चार्जिंग का केबल टाइप सी टू टाइप सी मिलता है। ऑल्सो ये कैमरे के साथ एक और माउंट आता है जो कि एडिसिव होता है और जो आप बाइक पे कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने ये पार्ट पे लगाया है जिसके मुझे पीछे का व्यू आता है, पीछे का एक व्यू भी मिलता है और साइलेंसर का एंड टायर्स का अच्छा एक कॉम्बिनेशन वाला POV मिल जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल की तरफ आते हैं कि मैंने यही वाला कैमरा क्यों चूज़ किया DJI एक्शन 3, और मैं
जो क्लासिक कैमरा गोप्रो है एक्शन कैम का कैटेगरी पे, उसकी तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि गोप्रो जो है उसमें इसका कंपैरिजन गोप्रो हीरो 11 के साथ होता है, जो 25,000 के आसपास होता है। सबसे बड़ा रीज़न था वही कि मेरा बजट जो गोप्रो है वो 25,000 के आसपास पड़ता है, और उसी के साथ आपको एक एक्स्ट्रा माइक एडाप्टर लेना पड़ता है, प्लस उसके साथ एक एक्स्ट्रा केस भी ख़रीदना पड़ता है, और वो माइक एडाप्टर 5,000 के आसपास पड़ता है, और जो केसिंग है वो आई थिंक 2,000 के आसपास पड़ता है। बट इन केस ऑफ DJI आपको DJI में डायरेक्टली एक केस बॉक्स में आ जाता है, ऐसा वाला केस जो कि इजीली ऐसे कनेक्ट हो जाता है, इट्स ऑल्सो ए क्लिक एंड प्ले। सो ये पूरा सेटअप एक चार्जर, एक मैग्नेटिक माउंट और एक केस जो बहुत बजट पे आता है, और उसी के साथ इसका जो कैमरा क्वालिटी प्लस इसमें कोई बग इशू और हीटिंग इशू वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं मिला मेरे को अभी तक। ऑल्सो DJI एक्शन 3 में कन्वीनियंस इतना ज़्यादा है कि आप इसके साथ बहुत इजीली फोटो व्लॉगिंग कर सकते हो। इसमें आपको ड्यूअल टच स्क्रीन मिलता है, जहाँ पे GoPro करेंटली इस 12th जनरेशन, जब वहाँ पे भी आपको फ्रंट स्क्रीन में टच स्क्रीन नहीं मिलता है, जबकि ये DJI का 3rd जनरेशन है, और यहाँ पे बैक में तो टच स्क्रीन है ही, उसके साथ फ्रंट पे भी टच स्क्रीन है। बट DJI में एक ही प्रॉब्लम होता है कि GoPro की जैसा ये फुटेज नहीं निकाल के दे सकता, और जो GoPro का क्वालिटी है वीडियोस का वो इसको इतना मैच नहीं कर सकता। दिस कैमरा कम्स विद अ 12 मेगापिक्सल सेंसर, और जो काफ़ी अच्छा हद तक क्वालिटी दे देता है वीडियोस में। ये कैमरा शूट कर सकता है अराउंड 4K 120 FPS तक, लेकिन वहाँ पे बैटरी आपको ऑलमोस्ट हाफ मिलता है। कंपनी क्लेम करती है कि आप लोग अगर 1080p पे शूट करते हो तो 180 मिनट्स और 160 मिनट्स के आसपास आपको रिकॉर्डिंग टाइम मिलता है, जबकि आप अगर 4K 120 FPS पे करते हो तो इसमें आपको 30 मिनट्स के आसपास रिकॉर्डिंग टाइम मिलेगा एक बैटरी में। तो DJI एक्शन 3 का इंटरफेस कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे सब सेटिंग्स वगैरह बहुत सिंपल और मिनिमलिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब सेटिंग्स वगैरह, फ्रेम रेट्स वगैरह, और उसी के साथ यहाँ पे आप लोग अपना एक्सपोजर, वाइट बैलेंस और फिर कलर वगैरह और FOV वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो दिस वॉज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ माय एंटायर मोटर व्लॉगिंग सेटअप। अब नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ जाते हैं, विच इज़ अ लाइफ ऑफ एनी मोटर व्लॉगिंग सेटअप, जिसके बिना आप मोटर व्लॉगिंग शुरू तो कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर जान वही इक्विपमेंट डालती है, दैट इज़ द ऑडियो। फोटो ऑडियो मैं एक्सट्रीम एकॉस्टिक्स का टाइप सी वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मुझे 800 रुपये के आसपास पड़ा। ये वाला माइक 3 वेरिएंट्स पे आता है, 2 मीटर्स का, 3 मीटर्स का और 6 मीटर्स का। जब व्हेन आई परसिस्ट ये वाला माइक, तब 2 मीटर्स एंड 3 मीटर्स वाला वेरियंट नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू गो फॉर द 6 मीटर्स वेरियंट। और ये वाला माइक टाइप सी के साथ आता है, विच हेल्प्स इन कनेक्टिंग माय माइक विद द DJI एक्शन 3 डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सटर्नल माइक। और इसी के साथ ये वाला माइक मैंने इस तरीके से सेटअप किया है हेलमेट में, ये थोड़ा सा 6 मीटर्स का है, इसीलिए पूरा कॉइल वगैरह बनाना पड़ा पूरे के पूरे हेलमेट में। और इसका जो माइक है, जो वॉइस जहाँ पे कैप्चर होता है, वो वाला यहाँ पे चिन कर्टेन पे मैंने अटैच कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जुगाड़ लगाया है। यहाँ पे जो माइक के साथ एक स्पॉन्ज आता है ब्लैक वाला, उसको मैंने लगा दिया है पहले, और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोम लगा दिया है जो मैंने टेप के साथ जोड़ दिया है। ये ऐसा करने से आपको एयर फ्लो है उससे एयर नॉइज़ नहीं आएगा मोटो ब्लॉगिंग करते टाइम। और आई फाउंड कि ये वाला जगह पे जो चिन कर्टन है, ये वाला जगह पे एक ऐसा पोजीशन हो जाता है जहाँ पे मेरा वॉइस भी क्लियरली आता है, और ऑल्सो जो स्वीट थंप है मीटियोर 350 का वो भी क्लियरली आप सुन सकते हैं। सो विथ दिस एक्सट्रीम एकॉस्टिक्स माइक मेरा वॉइस का क्वालिटी कुछ ऐसा आता है ड्यूरिंग मोटो व्लॉगिंग, आप लोग सुन सकते हैं, इट्स रियली क्रिस्प एंड क्लियर। राइट नाउ
मेरा जो ऑडियो का सेटिंग है वो -2 dB में है. आई नो इट्स साउंड्स अ लिल लेस बट फॉर अ क्रिस्प क्वालिटी वॉइस -2 इज इनफ. और कोई कोई लोग तो बहुत नीचे तक जाते हैं, -10, -5 ऐसे तक यूज़ करते हैं, तो -2 इज ओके ओके. बट डोंट ट्राई टू गो अबव 0, वहाँ पे आप लोग का वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक होगा और बहुत ज़्यादा विंड नॉइस आएगा. और -2 में मेरा वॉइस क्लियर भी आ रहा है और आई डोंट नो यू कैन हियर और नॉट, बट आई थिंक साइलेंसर के भी बहुत सुंदर सा साउंड आ रहा है. वन प्रो टिप, आप लोग हेलमेट ऐसा वाला ले कि जहाँ पे ऐसा एक चिन कर्टेन हो जिससे आपका मोटो व्लॉगिंग में ऑडियो जो आएगा वहाँ पे विंड नॉइस बहुत कम आएगा इवन एट हायर स्पीड्स. और जहाँ जैसे मैंने ये माइक पे फोम वगैरह ऐड किया है एक्स्ट्रा, वैसा आप ऐड कीजिए, उससे भी आपके वॉइस पे बहुत कम विंड नॉइस आएगा. बहुत आप इवन इफ आप लोग 100+ जा रहे हैं वहाँ पे भी विंड नॉइस बहुत ज़्यादा कम आएगा. और मैंने ये हैंडल बार पे ये वाला ब्रैकेट लगाया है जिसमें मैं अपना एक्शन 3 कनेक्ट कर देता हूँ और जहाँ से पूरा अच्छे से एक फ्रंट व्यू आता है तो व्हाइल आई राइड माय बाइक. और ये वाला मेटल का है, एल्यूमिनियम एलॉय का, विच इज़ रियली स्टर्डी, बहुत मज़बूत है. और बस ये वाला पार्ट ही प्लास्टिक का है, जो जॉइंट जहाँ पे ये कैमरा कनेक्ट हो जाता है वो वाला ही प्लास्टिक है, बाकी पूरा का पूरा बॉडी पूरा मेटल का है, एल्यूमिनियम एलॉय का, और इट्स प्रीटी स्टर्डी. तो यही थे मेरे कुछ इक्विपमेंट्स जो मैं अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे यूज़ करता हूँ. उसके अलावा जो मेरे दूसरे शॉट्स होते हैं जो मैं अपने व्लॉग पे डालता हूँ वो मैं अपने आईफोन 15 से शूट करता हूँ, जो अभी भी उसी के साथ रिकॉर्ड हो रहा है. और उसके अलावा आई यूज़ दिस आईफोन 14. अभी आप लोग देख रहे हैं आईफोन 14 का शॉट जो कि अभी है 4K 30 FPS पे, एंड वो रहा मेरा आईफोन 15. ऑल्सो इफ़ यू आर जस्ट अ बिगिनर और आप लोग अपना मोटो व्लॉगिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन के साथ ही शुरू कर सकते हैं. अगर आपके पास इतना बजट नहीं है और यू कैन अफोर्ड हाई एंड एक्शन कैम लाइक दिस, तो आप लोग बस एक हेलमेट ले, आपके पास एक बाइक होना चाहिए और एक ऐसा 200-300 वाला माउंट ले लीजिए, और उसी के साथ ऐसा एक आपको मोबाइल माउंट भी मिल जाएगा जिसमें आप मोबाइल डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. और आजकल के फ़ोन्स पे जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत टॉप नॉच हो गया है, इवन एट द लोअर बजट वो कैमरा का क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया है. तो मोटो व्लॉगिंग में आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा इफ़ यू स्टार्ट विथ जस्ट अ फ़ोन. और फॉर द माइक आप लोग डायरेक्टली टाइप सी वाला माइक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे फ़ोन्स पे टाइप सी ही आता है. और अगर आपके पास आईफोन जो पुराना वाला मॉडल्स है वो है तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ एक्सट्रीम एकॉस्टिक्स का, उसका ही आईफोन के लिए एक डिफरेंट मॉडल आता है तो आप उसको ले सकते हैं और डायरेक्टली अपने आईफोन पे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं. सो माय फ्रेंड्स, यही था मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप का एक छोटा सा डिटेल वीडियो. और जितना भी मैं कैमरा गियर्स एंड एक्सेसरीज यूज़ करता हूँ वो सब का मैं लिंक्स अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा. और आपको कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन रीच आउट टू मी इन थ्रू कमेंट्स और यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माय इंस्टाग्राम आईडी जहाँ पे आप लोग मेरे को DM कर सकते हैं. एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि अभी भी बहुत सारी राइड्स एंड एडवेंचर्स बाकी है मेरे दोस्त. सो टिल देन राइड सेफ एंड कीप थंपिंग. Hello. Hey. You wanna come to my vlog? Huh?